So, now today we'll discuss with valency. What is the valency? The valency of an element is combining capacity. Its capacity to combine with the atoms of other element. So that combining capacity of an element is called its valency. Now another definition about the valency of an element, that is equals to the number of electron gain, lose or shared by an atom with the atoms of other element to acquire a nearest noble gas configuration. कोई भी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. नाउ व्हाई एन एलिमेंट और व्हाई एन एटम लूज और गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर अ नियरेस्ट नॉबल गैस कॉन्फिगरेशन. कोई भी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्यों कर रहा है? टू एक्वायर अ नियरेस्ट नॉबल गैस कॉन्फिगरेशन. सो वी कैन डिफाइन अ वैलेंसी बाय टू डिफरेंट वेज. फर्स्ट है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द atoms of other another elements is called its valency, or it is also known as it is equal to number of electron gain or lose or shared by an atom of an element with atom of another element to acquire nearest noble gas कॉन्फ़िगरेशन. अपने आउटरमोस्ट सेल में क्या करना है, उसको ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है या शेयर कर रहा है, उसके बेसिस पर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, उसकी वैलेंसी डिटरमाइन करेंगे. नाउ एज वी डिस्कस इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, बोस ने इलेक्ट्रॉन्स का एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट प्रपोज किया है. तो उस अरेंजमेंट में क्या बताया है, दैट फर्स्ट ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर ऑर्बिट्स ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स. बोस के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर होल मास ऑफ एन एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेट एंड अराउंड दैट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स. दीज कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी लेवल्स. तो इन एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n2. एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, टोटल 2n2, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, तो जो तीन रूल्स हमने डिस्कस किए थे मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, दैट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट. So, electronic distribution of an element basically explained by Bohr and Bury, and they propose the three rules for the electronic distribution of an element, the arrangement of electrons in the orbit of an element. ठीक है, तो first rule क्या था? First rule था maximum number of electron that can
accommodate in orbit is equal to 2n square, where n is orbit number. यदि फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2. सेकेंड ऑर्बिट है दैट इज डिजाइनेटेड बाय L, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इनटू स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 8. थर्ड ऑर्बिट है दैट इज डिजाइनेटेड एट M, 2 इनटू स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 18. फोर्थ ऑर्बिट है तो N दैट इज 2 इनटू स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 32. सेकेंड रूल, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स या फिल इनटू द ऑर्बिट, first electrons fill in the lower energy level and then electron enter or fill into the higher energy level. As the lower energy level is completely filled, then the electron goes into the higher energy level. पहले electrons क्या होंगे? Lower energy level में fill किए जाएंगे, फिर higher energy level में fill होंगे. जैसे देखिए हम electronic arrangement या orbits का arrangement देखें तो ये nucleus, nucleus के around ये जो first orbit है, that orbit is K. Second orbit, that orbit is L. Third orbit is M. Fourth orbit is N. So first electron fill into the K shell, then electron, when the K shell is completely filled, K mein maximum kitne electrons honge? 2. Jaise 2 electron fill ho jayenge, next 8 electrons fill into the L shell. And so on. पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे, जैसे लोअर एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल होगा, then electron goes into the higher energy level. That is the second rule for the filling the electrons in the orbit. Third rule, the maximum number of electron that can be accommodated in orbit. Maximum number of electron that can be accommodated in a outermost shell, which is known as a valence shell, is 8. आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, दैट एलिमेंट दैट एटम इज केमिकली इनर्ट. तो कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल कंबाइन क्यों होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों करता है? टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल. आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है. दैट इज अनेसेसरी. ठीक है, यही एक एसेंशियल रीजन है किसी भी एटम का दूसरे एटम के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करने का. सो ये तीन रूल है टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और वैलेंसी कैलकुलेट की थी. तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है? टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. नाउ व्हाट इज वैलेंस शेल? वैलेंस शेल इज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा, वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या होगा? वैलेंस शेल. और उस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, those electrons are known as valence electron. So to determine the valency of an element, first we determine the valence electron. On basis of that, we determine the valency. So to determine the valency of an element, there are two rules. First rule is what? When the element consists of 1, 2, 3 or 4 valence electron, then its valency is equal to the number of valence electron. यदि आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी, आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 होगी, आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 3 होगी, एंड इफ इट कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, देन इट्स वैलेंसी इज 4. बट इफ एन एलिमेंट और इफ एन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, देन देयर वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यदि आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस 5. आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, देन वैलेंसी इज 8 माइनस 6, 2. आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देन वैलेंसी इज 8 माइनस 7. एंड आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, देन वैलेंसी इज 8 माइनस 8, दैट इज 0. सो ये दो रूल होंगे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करने के.
तो जैसे हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखे हैं, एलिमेंट एटॉमिक नंबर एलिमेंट एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चार शेल बना रहा हूं, के एल एम और एन, और इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे वैलेंस। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर वन, आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हीलियम, एटॉमिक नंबर टू, तो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर लिथियम एटॉमिक नंबर थ्री, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर थ्री, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में एक। देन बेरिलियम एटॉमिक नंबर फोर, फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बोरॉन एटॉमिक नंबर फाइव, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइव, तो टू एंड थ्री। देन कार्बन एटॉमिक नंबर सिक्स, टू कॉमा फोर, नाइट्रोजन सेवन, टू कॉमा फाइव, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर एट, टू कॉमा सिक्स। तो आप देखिए वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी वन है। अब यहाँ हीलियम एक एक्सेप्शन है, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है बट इट्स वैलेंसी इज नॉट टू, ठीक है। सो फ्लोरीन का वैलेंसी हो जाएगा वन, नियॉन का जीरो, सोडियम का वन, मैग्नीशियम का टू, एल्यूमिनियम का थ्री, सिलिकॉन का फोर, फॉस्फोरस का थ्री, सल्फर का टू, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में वन टू थ्री और फोर इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी वन टू थ्री और फोर। आउटरमोस्ट शेल में फाइव सिक्स सेवन और एट इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी एट माइनस फाइव, एट माइनस सिक्स, एट माइनस सेवन और एट माइनस एट। तो अब सल्फर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 287। देन आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 288। देन पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ठीक है। तो पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होगा 2881, तो वैलेंसी 1 हो जाएगी क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर कैल्शियम के लिए 288 और 2, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लोरीन की वैलेंसी 1, आर्गन की वैलेंसी 0 क्योंकि पोटेशियम के सॉरी क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 1, आर्गन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 8 माइनस 8 0। तो जिनकी भी वैलेंसी 0 है दोज आर केमिकली इनर्ट, वो क्या होंगे, केमिकली इनर्ट रहे। ठीक है, अब कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज हमें लर्न करनी है। ये तो 1 टू 20 एलिमेंट्स का तो लर्न करना ही है आपको वैलेंसी, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी कंटेन करते हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी, means they consist of two or more than two valencies, एक से ज्यादा valency contain करते हैं तो that valency is called variable valency। जैसे iron, iron जो है दो valency रखता है, plus two and plus three, तो plus two valency को हम क्या बोलते हैं, ferrous, suffix क्या लगेगा यहां पर, us, और plus three क्या बोलते हैं, फेरिक,
सफिक्स क्या लग रहा है? इक। जैसे नेक्स्ट एलिमेंट है आपका कॉपर, कॉपर प्लस वन और प्लस टू दोनों प्लेस कर कंटेन करता है, तो प्लस वन में क्या होता है और प्लस वन को हम क्या बोलते हैं? क्यूब प्लस, और प्लस टू को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ठीक है, ये प्लस वन, ये प्लस टू। ठीक है, उसी तरीके से गोल्ड दो वैलेंसी शो करता है, प्लस वन प्लस थ्री, तो प्लस वन को हम क्या बोलते हैं? ऑरस, एंड प्लस थ्री को हम बोलते हैं ऑरिक। तो जो लोअर वैलेंसी होगी उसमें सफिक्स लगेगा अस, जो हायर वैलेंसी रहेगी उसमें सफिक्स क्या लग जाएगा? इक। क्या लग जाएगा? इक। सो जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं उनमें उनके नेमिंग के अंदर ये रूल एग्जिस्ट करेगा कि लोअर वैलेंसी में सफिक्स क्या लगेगा? अस, और हायर वैलेंसी में क्या सफिक्स लग जाएगा? इक। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स की वैलेंसीज लर्न करनी है, एलिमेंट्स की जो वेरिएबल वैलेंसी है वो लर्न करनी है। ठीक है, एनी डाउट इन दैट पार्ट? ठीक है, नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। केमिकल फॉर्मूला बोलिए या फिर हम उसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज अ रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में हाउ मेनी डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट, कितने डिफरेंट एटम्स उसमें प्रेजेंट है वो कौन बताता है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सब्सटेंस है वॉटर, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O। सो बाय एग्जामिनिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉटर H2O, व्हाट वी कंक्लूड? दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम। सो इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है? हाउ मेनी एटम्स, हाउ व्हाट आर देयर टाइप्स, ये कौन एक्सप्लेन करता है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आपका सब्सटेंस है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4। सो बाय एग्जामिनिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट वी कंक्लूड? दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, वन सल्फर एटम, फोर ऑक्सीजन एटम। सो नाउ our topic is what, how to write the chemical formula of substance। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, इफ द सब्सटेंस इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इफ द केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, देन वी जस्ट राइट द नेम ऑफ मेटल, then write the name of non-metal and add the suffix IDE. Non-metal के name के पीछे हम क्या add कर देंगे? Suffix IDE. जैसे for example,
कि आपका कंपाउंड है NaCl, तो NaCl को कैसे नेम करेंगे, सोडियम क्लोराइड, कैसे नेम करेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो मेटल का नाम आया सोडियम, अब नॉन मेटल के नाम में क्या आएगा, क्लोरीन की बजाय क्या आया, क्लोराइड, पीछे सफिक्स क्या लगाया हमने, IDE। बट ये जो रूल है वो बेसिकली किसके लिए है, नेम ऑफ द सब्सटेंस, बट अभी हमें पहले क्या डिस्कस करना है, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमारा जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। मेथड को क्या बोलते हैं, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी राइट द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी आपका केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है उनके सिंबल्स लिखेंगे, फिर उनकी जो रेस्पेक्टिव वैलेंसीज हैं दैट विल बी प्लेस राइट डाउन द सिंबल ऑफ, राइट डाउन द बिलो टू द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एंड देन वी क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। जैसे आपका कंपाउंड है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, सो फर्स्ट वी राइट डाउन द सिंबल ऑफ कैल्शियम दैट इज Ca, फिर आपका कंपाउंड है दूसरा एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल O। अब कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2, ऑक्साइड का जो वैलेंसी होगा मोनो डाइवेलेंट है तो इसका भी वैलेंसी 2, चार्ज नहीं लिखना है बट उनकी वैलेंसी का नंबर लिखना है, फिर इन दोनों को क्रिस क्रॉस कर देंगे। अब देखिए दोनों नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इसको 1 और 1 कर दिया, फिर क्रिस क्रॉस किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, 1-1 वैलेंसी है, वो आपको सबस्क्रिप्ट में नहीं मेंशन करनी है। जैसे देखिए, जैसे आपका एलिमेंट है, तो कंपाउंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो कैसे इसका नेमिंग करेंगे, फर्स्ट वी राइट डाउन द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज Al, सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl, नाउ राइट डाउन देयर रेस्पेक्टिव वैलेंसीज, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, दोनों को क्रिस क्रॉस किया तो Al के साथ वैलेंसी आ जाएगी 1, Cl के साथ आ जाएगी 3, तो 1 वैलेंसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा AlCl, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, AlCl3, ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट, सोडियम का वैलेंसी Na, सल्फेट का वैलेंसी, सल्फेट का सिंबल SO4, सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का सिंबल SO4, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया Na2SO4, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड जैसे लिखा जिंक कार्बोनेट, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक का सिंबल Zn, नाइट्रेट का सिंबल NO3, जो हमने कल रेडिकल्स के सिंबल्स डिस्कस किए थे उनकी वैलेंसीज आपको याद रखनी है कि कौन सा आयन मोनोवैलेंट है, कौन सा डायवैलेंट है, कौन सा ट्राइवैलेंट है, तो जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, क्रॉस इंटरचेंज किया तो ये हो गया Zn। अब ये देखिए पॉलीएटॉमिक आयन है तो ये क्या हो जाएगा NO3, अब इसकी वैलेंसी को सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए इस तरीके से पैरेंथेसिस में NO3 को एनक्लोज करेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जिंक नाइट्रेट का। जैसे नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, फॉस्फेट का PO4, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की 3, क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो Ca3PO4, अब 2 ऐसे लिखेंगे तो PO42 हो जाएगा, तो इस तरीके से पैरेंथेसिस में इंक्लोज करेंगे PO4 को और फिर सबस्क्रिप्ट लगाएंगे 2,
So that is a formula of calcium phosphate. Is it clear? समझ में आया कि किस तरीके से फॉर्मूला आपको लिखना है? सो दिस मेथड इज नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड. क्या बोलते हैं इस मेथड को? क्रिस क्रॉस मेथड. तो आपको क्या याद होना चाहिए? उस एलिमेंट के सिंबल्स, उनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसीज, वो याद होंगी तभी आप इस तरीके से पहले फॉर्मेट बना पाएंगे और फिर उनको क्रिस क्रॉस कर पाएंगे. जैसे जैसे नेक्स्ट इज सोडियम सल्फाइड. सो सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का S, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस इंटरचेंज किया Na2S. तो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड. जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, नाइट्राइड का N, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, तो क्रॉस इंटरचेंज किया तो ये हुआ Ca3N2. सो दैट इज अ वे टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो आज हमने दो चीजें डिस्कस